हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरुणिमा। स्वागत है आप सभी का फूड कोर्ट चैनल पे। आज आप लोगों के साथ व्हीप क्रीम बीटिंग की टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। केक, कपकेक डेकोरेटिंग या आइसक्रीम बनाने में हम लोगों को व्हीप क्रीम की ज़रूरत होती है। तो परफेक्ट व्हीप क्रीम बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। मैं आज नॉन डेयरी व्हीपिंग क्रीम ट्रोपोलाइट यूज़ कर रही हूँ। आप डिलाइट या बाकी और कोई ब्रांड की नॉन डेयरी व्हीपिंग क्रीम ले सकते हैं। ये 1 kg के पैकेट 170 रुपीज में मार्केट में मिलते हैं। तो पहले इसके स्टोरिंग प्रोसेस शेयर करती हूँ। मार्केट से लाने के बाद पैकेट कट करके आपको रेसिपी में जितनी क्वांटिटी में चाहिए मेजर करके एक बोल में ले लीजिए। मैं 200 ml की एक कप भर के एक एयरटाइट बॉक्स में लेके कवर करके डीप फ्रीज यानी फ्रीजर में रख रही हूँ 25 से 30 मिनट के लिए। तब तक व्हीपिंग क्रीम चिल्ड हो जाएगा। बाकी क्रीम एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीना एयरटाइट कंटेनर में आराम से रह जाता है। और एक मेन बात, व्हीपिंग क्रीम की पैकेट में सारे डिटेल्स शेयर किया हुआ रहता है। आप उसे फॉलो करके ही परफेक्ट व्हीप क्रीम बना सकते हैं। अब चिल्ड व्हीपिंग क्रीम फ्रीज से निकल के बीट कर लेंगे। कोई भी ब्रांड की 300 वाट इलेक्ट्रिक हैंड बीटर यूज कर सकते हैं और बीट करने के टाइम लो टू हाई स्पीड पे बीट करना होगा। मतलब स्टार्टिंग में लो स्पीड में, देन थोड़ा थिक हो जाने के बाद मीडियम स्पीड में, उसके बाद हाई स्पीड में स्टिफ पिक होने तक बीट करते रहिए। आपको देखकर समझ आ रहा होगा व्हीप क्रीम 3 गुना बढ़ चुका है। तो अब इसे बीटर को निकालना होगा। तो तब पूरा बाहर आने तक बीटर ऑन रखना है, नहीं तो ब्लेड में ही बहुत क्रीम लग जाएगा और साफ करने में प्रॉब्लम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, क्रीम बीट हुआ या नहीं ये जानने के लिए बोल को पूरा उल्टा करके चेक कर लीजिए। नहीं गिर रहा है मतलब एकदम परफेक्ट व्हीप क्रीम रेडी हो गया है फ्रॉस्टिंग के लिए। आप इसे तुरंत केक डेकोरेटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम बाद, मानिए 15 से 20 मिनट बाद या फिर कुछ घंटे बाद इसे यूज करेंगे तो तब तक फ्रीजर में रख दीजिए। क्रीम स्टोरिंग फ्रीजर में ही होता है, नॉर्मल फ्रीज में नहीं। नेक्स्ट, जब भी आप इस व्हीप क्रीम यूज करेंगे एक बार बीट कर लेना। अब इस क्रीम से कैसे पाइपिंग करेंगे वो दिखा देती हूँ। एक ग्लास में पाइपिंग बैग रख के नोजल सेट कर लीजिए, फिर कॉर्नर कट करके व्हीप क्रीम डालिए। पाइपिंग बैग को टाइटली पकड़ के केक डेकोरेट करिए। 1 से 2 डिजाइन आपको दिखा देती हूँ। बर्थडे केक डेकोरेट करते टाइम ये डिजाइन से एजेस कवर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 ml यानी रोज नोजल यूज किया है। पिक्स तो बहुत अच्छा आया है और साथ में देखिए कोई क्रैक्स नहीं है, मतलब क्रीम ओवर बीट नहीं हुआ है। पाइपिंग बैग पकड़ने का सही तरीका है, एक हाथ से नीचे की तरफ सपोर्ट दीजिए और एक हाथ से ऊपर से टाइट से पकड़िए और ऐसे ही डिजाइन बनाते जाइए। इस मेथड से सबसे अच्छे से क्रीम निकल के आएगा। डिजाइन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आएगा। बाद में नाइफ या स्क्रैपर से उठा के क्लीन कर सकते हैं।
और कोई फ्लेवर आइसिंग के लिए क्रीम में 1 टीस्पून वैनिला एसेंस या फिर उस फ्लेवर की एसेंस, 2 टीस्पून शुगर पाउडर शुगर यूज करेंगे तो तब और भी अच्छा, और 2 टीस्पून कोकोआ पाउडर डाल के चॉकलेट व्हीप क्रीम बना रही हूँ। आप कलर भी डाल सकते हैं कलरफुल आइसिंग करने के लिए। ये सब कुछ डायरेक्ट व्हीपिंग क्रीम में डाल के स्पैचुला से मिला के बीट कर सकते हैं। मैं आज पहले नॉर्मल व्हीप क्रीम बनाने की प्रोसेस शेयर की, इसलिए अभी डाल रही हूँ। व्हीप क्रीम केक में डेकोरेट करने के बाद या फिर आइसक्रीम बनाने के बाद बच जाए तो एयर टाइट बॉक्स में फ्रीजर में 1 से 2 वीक रख सकते हैं। बस निकाल के बीट करके आइसिंग करिए। लास्टली व्हीप क्रीम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर बेस्ट होता है। बलून विक्स या हैंड विक्स से बहुत टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक बीटर से 10 मिनट लगेगा तो हैंड बीटर से 30 से 40 मिनट कॉन्टिन्यूसली आपको बीट करना होगा। उससे भी इतना अच्छा पीक तो नहीं आएगा। आप पाउडर व्हीप क्रीम या फिर कोई डेयरी व्हीप क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम यानी दूध से जो मलाई निकलती है उससे ऐसी व्हीपिंग क्रीम कभी नहीं बनेगा। और अमूल फ्रेश क्रीम की भी बहुत लोग बात करते कि इससे बन जाएगा कि नहीं, नहीं इससे कभी भी आपको व्हीपिंग क्रीम ऐसे तो नहीं बनेगा। बस उससे आप गनाज बना के चॉकलेट केक डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट केक या फिर कोई वैनिला केक डेकोरेट कर सकते हैं। उसके रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं जहाँ पे रहती हूँ आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, बिना एसी के ये बना रही हूँ। हो सकता है आपके जगह ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो तो तब आप बोल के नीचे आइस रख के बीट करिए, या फिर क्रीम बार बार डीप फ्रीज में रख के फिर निकाल के अच्छे से बीट करते रहिए। बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था व्हीप क्रीम बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए, इसलिए आज मैं सब कुछ अच्छे से बोल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।